तो यार कैसे हो। तो फिर से हम आ चुके हैं एक ब्रांड न्यू दिवान टॉपिक की वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप कैसे GTA 5 को डाउनलोड कर सकते हो। हाँ गाइस, बिल्कुल फ्री में आप कैसे अपना मोबाइल फ़ोन में GTA 5 खेल सकते हो। तो भाई इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैं जैसा ऐसा करूँगा उसको आपको फॉलो करना है। तो भाई आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, नीचे जो लाल वाला बटन है ना उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना है। तो यार चलिए बढ़ते हैं आज का हमारा वीडियो की टॉपिक की तरफ। तो यार सबसे पहले आप मेरा डिस्क्रिप्शन पे जाइए, तो जाने के बाद मैं एक लिंक दे रखा हूँ उसको आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद ये जो दो APK फाइल और OBB फाइल, इसको दोनों को आपको डाउनलोड करना है। तो भाई दोनों फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप डाउनलोड पे जाइए, तो उसके बाद ये देख रहे हो पहला दो फाइल है, पहला है ZIP फाइल और उसके बाद है APK फाइल। तो आपको APK फाइल इंस्टॉल कर लेना है। देखिए मेरा इंस्टॉल हो रहा है, तो दान दबा दिया। तो उसके बाद ओपन करना है, मैं जानता हूँ ओपन नहीं होगा लेकिन आपको ओपन करना है पहले। तो एलो वेलो जो मंग रहा है उसको आपको एलो वेलो कर देना है। तो भाई इसके बाद आपको कर देना है, जो भी हो रहा है होने दीजिए, इसको पूरा बंद कर देना है। तो इसके बाद आप फाइल मैनेजर पर चले जाइए, फाइल मैनेजर पर आने के बाद आपको जो ZIP फाइल था उसको आपको सर्च करना है। तो ये देखिए मेरा जो आ गया ZIP फाइल, और भी तरीका है, मेरा जो ZIP फाइल लिखा है इसके अंदर भी है। तो इसके बाद आपको दिखा दूँ इसको आपको क्या करना है। तो पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप मोर पे जाइए और इसको आपको अनजिप करना है। तो मेरा मोबाइल में डीकॉम्प्रेस लिखा रहा है, आपको मोबाइल में शायद और कुछ लिखा आ जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है अनजिप करना है इसको। तो इसके बाद मैं कुछ कर दूँगा, क्योंकि भाई कुछ भी नेम रख देना, आप नहीं नाम रखो तो बेटर है, क्योंकि भाई इस नेम से मेरा एक फाइल बना है इसलिए भाई नहीं होगा। तो कुछ भी देता हूँ, GTA 5, ये भी सही है। तो ओके करने के बाद का जो मेन फाइल है वो बन चुका है अनजिप। तो इसके बाद इसको आपको कट करना है, आपको मूव करना है। तो कट करने के बाद आपको फिर से एंड्रॉयड पे जाना है। मैं तो एंड्रॉयड पे जाने के बाद OBP पे जाना है, सेकेंड नंबर जो फाइल है उसको अंदर टैप करके, GTA 5 लिखा है उसके अंदर टैप करके पेस्ट कर देना है। तो भाई ये हो गया हमारा जो बाकी काम था, सब कुछ हो गया। इसके बाद आपको GTA 5 ओपन करना है। तो सब कुछ बंद कर दो, जो भी है सब कुछ बंद कर दो। तो भाई इसके बाद आपको GTA 5 जो गेम है उसको आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, रिमार्क बाय आर यूजर्स गेम। तो भाई आप जानते होंगे कि GTA 5 एक PC का गेम है, तो मोबाइल की जो वर्सन है वो आर यूजर्स से बनाया गया है, मतलब एक इंडियन बंदे ने इसको बनाया है, मतलब वो बहुत ही बढ़िया बनाया है, उसका नाम है राहुल। तो भाई उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो उसका चैनल पे जाके आप विजिट कर लेना। तो इसके बाद देख सकते हो 9 ईयर्स एगो, तो 9 ईयर्स एगो एक बैंक रबरी केस है, तो इसके अंदर मैं जाऊँगा बैंक लूटने के लिए। तो सबसे आप यहाँ पर कहीं गलती करते हो तो मिशन फेल हो जाता है। तो मैं पहले एक बंदे को तो मार दिया था, तो पहले मुझे तो पता नहीं था। तो इसके अंदर आप जब जाओगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, तो ऑटोमेटिक एक काम करते रहेगा अपना जो काम है। तो इसके बाद इसको कुछ डराना है, भागो भागो इधर से, भागो भागो भागो, किसी को मारना नहीं है भाई, किसी को मारोगे तो भाई ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। तो इसके बाद आपको फ़ोन करना है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, नीचे जो लाल वाला बटन है ना उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। जय हिंद।